हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईक्यू मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द आईक्यू मेंटोर नाउ। सो गाइस आज तारीख 8 जनवरी 2022 और 8 जनवरी से आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन की सबसे खास बात ये रहेगी कि इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा जो कि बेस्ड होगा कंप्लीटली लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो दोस्तों अगर आप अपने कैरियर को लेकर के सच में सीरियस हैं, आप सच में एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना हो। खासकर वो बच्चे तो जरूर देखेंगे जो दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की या फिर एसएससी के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हर उस छोटी बड़ी चीज को इस वीडियो के अंदर डाल दिया गया। मतलब कि बहुत ही दमदार और मेहनत के साथ इस कॉन्टेंट तैयार किया गया। तो हमारे इस मेहनत और इस कॉन्टेंट के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों तक, साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां पर स्थापित किया जाएगा। किसकी बात की जा रही है दोस्तों, एलएनजी टर्मिनल की बात की जा रही है। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। अब ये एलएनजी टर्मिनल क्या है आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एलएनजी टर्मिनल का पहले फुल फॉर्म जानो कि एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस। क्या है? लिक्विड नेचुरल गैस है। और कर्नाटक में जो एलएनजी टर्मिनल बन रहा है यह कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल रहेगा। क्या? कर्नाटक राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल रहेगा और भारत का छठवां एलएनजी टर्मिनल रहेगा। भारत, ध्यान रखना, भारत का छठवां और कर्नाटक का पहला। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहां बना है तो भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल दोस्तों आपके नागपुर में बना है। कहां पे बना है? नागपुर में बना है। इसको नोट जरूर करते चलना सारे पॉइंट्स को, ठीक है ना। और ये एलएनजी टर्मिनल कहां बन रहा है? तो कर्नाटक में बन रहा है। तो ये कर्नाटक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों बिसव राज। क्या नाम है दोस्तों? बिसव राज नाम है कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम। इसके अलावा एग्जाम में अगर आप लोगों से क्वेश्चन और बन सकता है कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है थावरचंद गहलोत। कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत है कर्नाटक के राज्यपाल, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोग के एग्जाम में कि कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बना है, यानी सबसे नया जिला कर्नाटक का कौन बना है। तो कर्नाटक का सबसे नया जिला जो बना है उसका नाम है दोस्तों विजयनगर। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है विजयनगर। कर्नाटक का सबसे नवीनतम जिला बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा जाता है कि कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़, कौन सी दौड़? भैंसों की जो दौड़ होती है यानी भैंसा दौड़ का नाम क्या है। तो कर्नाटक में आयोजित होने वाली भैंसा दौड़ का नाम दोस्तों कंबाला है। क्या नाम है दोस्तों? कंबाला नाम है जो कर्नाटक में भैंसा दौड़ आयोजित की जाती है। तो नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स जितने मैं बताते जा रहा हूँ इन सबको कॉपी और पेन में नोट करते हुए चलना क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक स्टडी जीके के पॉइंट को नोट करते हुए चलना और एकदम प्रॉपर तरीके से दिमाग में इसको रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दोस्तों हैदराबाद में किया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम दोस्तों महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। क्या है? महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन। बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों इसका आयोजन हैदराबाद में हुआ है तो आइए हैदराबाद से भी अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी कवर कर लिया जाता है कर लिया जाए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप बहुत ही बहुत सारे लोग जानते हैं कि जो कोरोना की वैक्सीन है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। अब सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारत बायोटेक कंपनी जो है जो कोवैक्सीन बना रही है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों हैदराबाद में है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के लिए कि हाल ही में कौन सा राज्य ODF+, कौन सा ODF+ गायों की संख्या में पहले स्थान पे है। तो दोस्तों तेलंगाना, कौन है? तेलंगाना राज्य जो है ये ODF+ गायों की संख्या में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस पॉइंट को। एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके एग्जाम में कि अभी हाल ही में
ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों ई प्रणाली कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश है। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा ई कैबिनेट जान लिया तो आप दोस्तों ई लोक भी जान लो। ई लोक अदालत प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ई लोक प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़। यहां मैं सीजी लिख रहा हूं, सीजी का मतलब है छत्तीसगढ़। इसको आप छत्तीसगढ़ पूरा नोट करना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके अलावा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से नोट कर लो कि हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हाल ही में जारी हुए सुशासन सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात है। कौन है दोस्तों? गुजरात है। ठीक है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूएसआईबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अतुल केशव को नियुक्त किया गया है। किसको? अतुल केशव को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किसके किसके बीच? इंडिया और अमेरिका के बीच में। चलिए इंडिया अमेरिका की बात की गई है तो आइए यहां से और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वज्र प्रहार, कौन से क्या है नाम दोस्तों, इसको नोट कर लेना। वज्र प्रहार ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास दोस्तों इंडिया और अमेरिका के बीच में ही हुआ करता है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य अमेरिका बना है। कौन बना है दोस्तों? अमेरिका बना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। ठीक है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जो फ्यूचर के लिए करंट का क्वेश्चन तो बनेगा ही, साथ ही साथ स्टडी का भी क्वेश्चन बन सकता है। वो क्या है? निसार प्रोजेक्ट। इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था निसार प्रोजेक्ट। तो यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि निसार प्रोजेक्ट किन दो देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों की साझेदारी से हो रहा है? तो दोस्तों निसार प्रोजेक्ट जो है दोस्तों ये इंडिया और अमेरिका के साझेदारी से हो रहा है। किसके? इंडिया और अमेरिका के जो स्पेस एजेंसीज है इनके साझेदारी से हो रहा है। इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इंडिया के स्पेस एजेंसी का नाम आप सभी जानते हैं इसरो है। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम दोस्तों नासा है। तो यानी कि इसरो और नासा के सहयोग से निसार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, नोट कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये लोक प्रशासन के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? लोक प्रशासन के लिए पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना? और दोस्तों अभी रिसेंटली यानी कि हाल ही में पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एक वेब पोर्टल को भी जारी किया गया है और इस वेब पोर्टल में दोस्तों टोटल 18 अवार्ड हैं। यानी कि पीएम एक्सीलेंस अवार्ड में टोटल कितने अवार्ड हैं? तो टोटल अवार्ड की संख्या 18 है। ठीक है ना? और किस आधार पर ये अवार्ड दिए जाएंगे? तो दोस्तों इसका आधार योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। क्या होगा? योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। क्रियान्वयन से आप क्या समझते हैं? क्रियान्वयन से मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी बनाती है। ठीक है ना? पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी बनाने से कभी भी कोई देश तरक्की नहीं करता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई है उसका उद्देश्य पूरा हो, देश के हर एक नागरिक को उस पॉलिसी का फायदा मिले। ठीक है ना? इसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन। और इसी योजनाओं की जो क्रियान्वयन होगा इसी क्रियान्वयन के आधार पर पीएम एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब यहाँ पे अवार्ड की बात की गई है तो आइए कुछ अदर अवार्ड्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अभी हाल ही में राम अनुजम पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो राम अनुजम पुरस्कार दोस्तों नीना गुप्ता को दिया गया है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो लेखपाल और ग्रुप डी की परीक्षा देंगे, ठीक है ना। और सुपर टेट वालों के लिए तो ये रामबाण है ही, पुलिस में भी पूछा जा सकता है। कि हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों नीलमणि फूकन को दिया गया है। किसको दिया गया है? नीलमणि फूकन को दिया गया है। तो दोस्तों अब यहां पर राम अर्जुन पुरस्कार की बात हो गई, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो गई, तो हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को कैसे भूल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आप लोगों को कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो दोस्तों इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। किसको दिया गया? 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। आइए उन सभी के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे किसको दिया गया है? अवनी लखेरा को। और ये अवनी लखेरा जो है दोस्तों ये आपके शूटिंग से संबंधित है। उसके बाद दूसरा कौन है? सुमित अंतल है। सुमित अंतल दोस्तों भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है। तीसरा है मनीष नरवाल जो कि शूटिंग से संबंधित है, इनको भी दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं प्रमोद भगत को भी सम्मानित किया गया है जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। और कृष्णा नागर जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बैडमिंटन से ये भी संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा, इनका नाम तो सभी लोगों को पता है कि नीरज चोपड़ा को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है। उसके अलावा दोस्तों रवि दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों लवलीना बोरगोहन को भी सम्मानित किया गया है और ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है ना। और इसके अलावा मनप्रीत सिंह और पीआर श्रीजेश, इन दोनों को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये दोनों ही दोस्तों हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मिताली राज को भी सम्मानित किया गया है जो कि क्रिकेट संबंधित हैं, और सुनील छेत्री को भी सम्मानित किया गया है जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। यानी इन 12 को मेजर ध्यानचंद इस बार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या बन रहा है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि 5 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च किया है। यह दिवस मनाया जाता है यानी कि कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम को लॉन्च की है। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाया करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को, ठीक है ना। और दोस्तों 28 फरवरी को ही डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोजना की थी यानी रमन इफेक्ट की खोजना जो खोज की थी। इसके अलावा दोस्तों ये जो सीवी रमन ने रमन प्रभाव खोज की थी इसके लिए सीवी रमन को 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम है दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। क्या है? दीर्घकालिक भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीक का एकीकृत दृष्टिकोण। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अन्य सवालों को भी आइए हम लोग जान लेते हैं, कुछ अन्य दिवस को भी जान लेते हैं जो आपके फरवरी में मनाया जाता है। तो दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी ICG का दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस दोस्तों आपका 1 फेब को मनाया जाता है यानी 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या है क्वेश्चन? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है एग्जाम में कि विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है? नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वुमेन्स डे भी दोस्तों 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। यानी कि विश्व रेडियो दिवस और नेशनल वुमेन्स डे ये दोनों ही 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को।
और भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ऐसे बताने को तो बहुत सारे दिवस हैं, लेकिन मैं उन्हीं दिवस को बता रहा हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कराते जा रहा हूँ, आप केवल उसको पढ़ते जाना, क्वेश्चन आपका एग्जाम में वहीं से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि 1 जनवरी 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को फ्रांस ने, किसने, फ्रांस ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता को ग्रहण किया है, ठीक है ना। अब दोस्तों फ्रांस को मिलाकर के टोटल यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य हो गए हैं। कितने सदस्य हो गए, 27 यानी 27 सदस्य हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूरोपीय संघ है दोस्तों, इस यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। किसको है, कहाँ पे है, माफ करना, ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। इसके अलावा 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की जो अध्यक्षता है ये किसको दी गई है, तो 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता फ्रांस को दी गई है। किसको दी गई है, फ्रांस को दी गई है। अब बात की गई दोस्तों यहां यूरोपियन यूनियन की यानी यूरोपीय संघ की, तो आइए यूरोपीय संघ से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बन सकता है कि समर ओलंपिक 2024, यहां पे मैं लिख रहा हूं SO, यानी कि समर ओलंपिक 2024 कहां पर आयोजित होगा। तो दोस्तों समर ओलंपिक 2024 आपके पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। कहां पे आयोजित होगा, पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला है, इसको नोट कर लेना। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप, कौन सा, फीफा वर्ल्ड कप, यहां मैं लिख दे रहा हूं फीफा वर्ल्ड कप यानी WC 2022 का आयोजन कहां पर होना है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में होगा। कहां पे होगा, कतर में होने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता टीम कौन सी थी, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम फ्रांस थी। कौन थी दोस्तों, फ्रांस थी, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहां से, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रीयूनियन आइलैंड कौन सा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, रीयूनियन आइलैंड कहां पर है, तो ये रीयूनियन आइलैंड दोस्तों आपका इंडियन ओशन में है। कहां पे है, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में है, इसको नोट कर लेना है, रीयूनियन आइसलैंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है कि यूनेस्को कहां, किसकी, यूनेस्को की बात की जा रही है, यूनेस्को की और FATF की, किसकी, FATF की, यूनेस्को और FATF का मुख्यालय कहां है, तो यूनेस्को और FATF का मुख्यालय दोस्तों आपके पेरिस में है। कहां पे है दोस्तों, पेरिस में है, ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या क्या जान लिया कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होना है 2024 में, इसका आयोजन कहां होगा, पेरिस में होगा, और पेरिस में ही दोस्तों आपके यूनेस्को और FATF का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता टीम कौन थी, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम फ्रांस थी। और इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पे होगा, तो कतर में होगा। कहां पे होगा, कतर में होगा। तो हर एक पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बिहार विभूति सम्मान की बात की जा रही है यहां पे, तो बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। किसे, रोहित कुमार को सम्मानित किया गया। अब सवाल उठता है कि सर ये रोहित कुमार कौन है, तो दोस्तों रोहित कुमार जो है ये मीडिया ट्रेंड्स नामक कंपनी की स्थापना की है। इन्होंने क्या किया है, रोहित कुमार ने मीडिया ट्रेंड्स नामक कंपनी की स्थापना की है। और सर ये मीडिया ट्रेंड्स कंपनी कौन सी है, तो मीडिया ट्रेंड्स दोस्तों एक प्रकार की मार्केटिंग कंपनी है। कौन सी है, मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है ना। अब सर बिहार की बात की गई है, तो आइए बिहार के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, तो ठीक है लो जान लो। एक क्वेश्चन बनता है आपके कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानते ही आप लोग, नीतीश कुमार है। क्या नाम है, नीतीश कुमार है बिहार के मुख्यमंत्री का नाम। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर बिहार के राज्यपाल कौन है, तो बिहार के राज्यपाल का नाम है दोस्तों फागू चौहान। क्या नाम है, फागू चौहान नाम है बिहार के राज्यपाल का नाम, ठीक है ना। ओके इसके अलावा सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो कलिंग रत्न, ठीक है ना, कलिंग रत्न सम्मान से दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया, विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। अब सर ये विश्वभूषण हरिचंदन कौन है, तो दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, इसको ध्यान रख लेना। और इनको कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना।
चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा में आप जान लो मेरी तरफ से कि कर्नाटक रत्न सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक रत्न सम्मान पुनीत कुमार को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? पुनीत कुमार को दिया गया है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, पुनीत कुमार को दिया गया है, ठीक है ना। अब दोस्तों बिहार की बात की गई है तो एक क्वेश्चन और जान लो, बन सकता है एग्जाम में कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग। तो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं इसका कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिल्कुल बिहार में दोस्तों वाल्मीकि, कौन सा दोस्तों? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना कहीं कॉपी में लेकर के कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अभी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सदस्य कौन है? तो 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला सदस्य है एंटीगुआ और बारबुडा। क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा है। दोस्तों एक सवाल यहां पे ये उठता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना किसने की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर के COP21 के दौरान किया है। कब किया है? COP21 के दौरान किया गया है। सर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका गठबंधन कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। सर ये बताएं हमें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक का नाम दोस्तों अजय माथुर। क्या नाम है? अजय माथुर है, ठीक है ना। चलिए कुछ अन्य सवालों को भी जान लेते हैं, स्टैटिक के सवाल जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, ठीक है ना, IMF की बात की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन बना है, यानी कि अभी हाल ही में कौन सदस्य बना है? तो दोस्तों एंडोरा बना है। कौन बना है दोस्तों? एंडोरा, यहां मैं लिख दे रहा हूं एंडोरा। जी हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? एंडोरा है। कौन से नंबर पे सर ये बना है? तो 190वें नंबर का सदस्य है ये एंडोरा। यानी कि अब IMF में यानी इंडियन मॉनिटरी फंड, माफ करना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी एंडोरा को मिला करके? तो एंडोरा को मिला करके कुल इसकी संख्या 190 हो गई है सदस्य देशों की, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन और हमें बताइए आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य का नाम है दोस्तों साउथ सूडान। क्या है? साउथ सूडान, ठीक है ना। तो सर ये साउथ सूडान जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य बना है। सर कौन से नंबर का सदस्य बना है? तो 194th नंबर का सदस्य बना है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में साउथ सूडान को मिला करके कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 194 हो गई है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सर और बता दो हमें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDP का नवीनतम यानी सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों NDP का सबसे नवीनतम सदस्य मिश्र बना है। कौन बना है? मिश्र बना है। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। तो सारी चीजों को मैं यहां पे आपको बता दिया हूं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो एंडोरा बना है, 190वें नंबर पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो साउथ सूडान बना है, 194th नंबर पर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो मिश्र बना है, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए चलना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? कहां, किसकी बात की जा रही है? पहले स्वदेशी सर्वर की बात की जा रही है। तो दोस्तों भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र। क्या नाम है? रुद्र नाम है। और इस सर्वर को CDAC की सहायता से मिलाकर बनाया गया है। किसकी सहायता से? CDAC की सहायता से मिलाकर के बनाया गया है। अब दोस्तों यहां पे बात की गई है स्वदेशी की। किसकी बात की गई है? तो स्वदेशी की बात की गई। तो आइए स्वदेशी से बनने वाले और जितने भी सवाल है उसको भी कवर कर लेते हैं जो कि स्टैटिक GK के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक क्वेश्चन बनता है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है? तो दोस्तों इंद्रजाल भारत का स्वदेशी निर्मित यानी कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस प्रणाली है इंद्रजाल, ठीक है ना। विक्रांत की वहीं अगर बात की जाए तो विक्रांत दोस्तों स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है? स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ध्रुव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ध्रुव जो है ये भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है ना। क्या है? भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जो कि पूर्णतया स्वदेशी है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रलय क्या है? तो दोस्तों प्रलय जो है दोस्तों ये सतह से
स्वतः मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है ना। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया है, तो डीआरडीओ की सहायता से बनाया गया है, ठीक है ना। डीआरडीओ की सहायता से प्रलय मिसाइल को बनाया गया है और ये भी पूर्ण रूप से स्वदेशी मिसाइल है। तो मतलब हमारा भारत बहुत तेजी से आगे जा रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम इस चीज़ के लिए बड़े ही फख्र के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और यकीनन दोस्तों, अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है डिफेंस के फील्ड में, आज से 25 साल 30 साल के बाद भारत के पास एक बहुत ही दमदार स्ट्रॉन्ग और मजबूत डिफेंस प्रणाली होगी। यानी कोई भी दुश्मन भारत से टक्कर लेने से एक बार सोचेगा जरूर, ठीक है ना। तो भारत के इस दमदार काम के लिए वीडियो का एक लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुद्दुचेरी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुद्दुचेरी में, यानी पौंडीचेरी में हुआ है। दोस्तों इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की थीम क्या है। तो इसकी थीम दोस्तों सक्षम युवा सशक्त भारत। क्या है? सक्षम युवा सशक्त भारत, ठीक है ना। चलिए तो अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग और अन्य सवालों को भी जान लेते हैं। तो यहां पर बात किसी गई है, यहां बात की गई है राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और जान लो कि राष्ट्रीय युवा दिवस अगर आप लोगों से बोला जाएगा तब तो आप लोग इजीली बता देंगे कि सर 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच मनाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय की जगह लिख दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन और बनेगा कि सर आप हमें यह बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो सर अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस को भी हम लोग 12 अगस्त को ही मनाया करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को भी 12 अगस्त को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस को भी हम लोग 12 अगस्त को मनाया करते हैं, ठीक है ना। और युवा महोत्सव को मनाया करते हैं, तो युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी के बीच में मनाया करते हैं, ठीक है ना। कहां पे मनाया जा रहा है इस बार? तो पुद्दुचेरी मनाया जा रहा है। तो पुद्दुचेरी के बारे में थोड़ा जान लो कि पुद्दुचेरी जो था दोस्तों ये फ्रांस का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है हिस्ट्री से, ठीक है ना, कि पुद्दुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पुद्दुचेरी में यानी कि पौंडीचेरी में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो दोस्तों पौंडीचेरी में टोटल 4 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो पहले नंबर पर दोस्तों पांडिचेरी, पहले नंबर पर क्या है? पांडिचेरी। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे दोस्तों यनम, या न म, यनम, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे दोस्तों माहे। तीसरे नंबर पे कौन है? माहे है। और चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? चौथे नंबर पे है कराईकल। क्या नाम है दोस्तों? कराईकल। ये दोस्तों ये चारों जिले जो है ये पांडिचेरी में शामिल है, ठीक है ना। कौन कौन से? पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनता है कि पौंडीचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पे है। तो दोस्तों पौंडीचेरी का हाई कोर्ट आपके मद्रास में है। कहाँ पे है? मद्रास में है। यानी कि मद्रास हाई कोर्ट पौंडीचेरी का हाई कोर्ट है। अच्छा मद्रास किसका पुराना नाम है? तो मद्रास दोस्तों ये चेन्नई का पुराना नाम है। किसका नाम है? मद्रास जो है ये चेन्नई का पुराना नाम है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा कोई अन्य सवाल, कोई अन्य क्वेरी है या किसी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। उस पर हम आपके डिमांड से हम विशेष गौर करेंगे। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड। क्या नाम है दोस्तों? फिर से बता रहा हूं, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जाकर के ज्वाइन कर लेना, वहां पर हमारे सारे वीडियोज की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप हमसे कोई कोर्स लेना चाहते हैं, किसी कोचिंग की नोट्स लेना चाहते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट सवाल है या डायरेक्टली आप हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करना होगा। हम आपको डायरेक्टली पर्सनली आपसे हम इंटरेक्ट कर सकेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसे क्लियर कर सकेंगे। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम सर्च बॉक्स में जाएं, टाइप करें IQ मेंटर, फॉलो करें। वहां पे हमारे पोस्ट और रील्स के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।